हेलो दोस्तों, आज है ऑथराइज्ड वैल्यूज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में कि हम किस तरह से ऑथराइज्ड वैल्यूज की कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर फिर उसकी ऑथराइज्ड वैल्यूज हम कैसे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ लूँगा सब्जेक्ट को। अगर हम चाहते हैं जो आइटम्स जब क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट हम देना चाहते हैं एज ए इन द कलेक्शन कोड, तो हम कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद आप क्लिक कीजिए ऑथराइज वैल्यूज पर, तो हम उसको क्रिएट करेंगे। मैं दिखाऊंगा आपको कि हम सब्जेक्ट्स, अगर एक सब्जेक्ट को हम लेना चाहते हैं कि एक सब्जेक्ट कैटेगरी कोड है और उसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट है, कैसे हम दिखाएंगे। ऑथराइज वैल्यूज में क्लिक कीजिए। जब ऑथराइज वैल्यूज में आप क्रिएट करेंगे तो आप डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ देखेंगे, बट मैं न्यू कैटेगरी क्रिएट करूँगा, मैं ये एग्जिस्टिंग नहीं लूँगा और मैं सब्जेक्ट कैटेगरी के लिए एक नया कोड दूंगा। ये न्यू कैटेगरी में क्रिएट कर रहा हूँ जो कि रिक्वायर्ड फील्ड है। मैं दूंगा SUBJ, यानी कि सब्जेक्ट के लिए मैं एक कैटेगरी को क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये मैंने SUBJ एक कैटेगरी क्रिएट की और उसको सेव कर लिया। अब इसके अंदर हम ऑथराइज वैल्यू कैसे देंगे, देखिए ऑथराइज वैल्यू फॉर कैटेगरी SUBJ, ठीक है। इसके अंदर फिर आप क्या कीजिए, न्यू ऑथराइज वैल्यूज टू फॉर SBJ में जाके, नए सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर ऑथराइज वैल्यूज इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज योर न्यू कैटेगरी SUBJ। यहाँ पर ऑथराइज वैल्यू, जैसे मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ ऑथराइज वैल्यू दूंगा, जैसे कि कुछ भी दे सकते हैं आप, लेकिन मैं दे रहा हूँ CHEM फॉर केमिस्ट्री। ये मैंने कोड दिया है अपना, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा केमिस्ट्री, जो कि शो करेगा। और ओपेक के लिए भी मैं केमिस्ट्री रखूंगा। अब ऑल लाइब्रेरीज के लिए मैं इसको ले रहा हूँ और इसको ऑल लाइब्रेरी सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए। ये एक सब्जेक्ट की बन चुकी है। अब आता है दोस्तों एक और, इसके अंदर क्रिएट कर लेते हैं केमिस्ट्री से की बन गई है। आप इसको कभी भी एडिट कीजिए, जैसे एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। एक और ऑथराइज वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं। क्लिक किया मैंने वहीं पर न्यू ऑथराइज वैल्यूज में। यहाँ मैं एक फिजिक्स सब्जेक्ट बनाऊंगा PHY देकर। मैंने ऑथराइज वैल्यू दे दी, डिस्क्रिप्शन में दूंगा फिजिक्स पूरा लिखूंगा। और फॉर ऑपेक आई विल डू सेम थिंग फिजिक्स, यहाँ भी मैं फिजिक्स ही सब्जेक्ट दूंगा, पूरा डिस्क्रिप्शन में दूंगा। एंड देन आई विल सेव। ओके, वन मोर ऑथराइज वैल्यू आई विल क्रिएट। सो क्लिक ऑन द न्यू ऑथराइज वैल्यू एंड क्रिएट, आई विल क्रिएट मैथ मैथ MATH मैथ ऑथराइज वैल्यू, एंड देन डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैथमेटिक्स, पूरा लिखिए यहाँ पर। और ऑपेक में भी मैं चाहूँगा कि ये सेम मैथमेटिक्स ही शो करें सब्जेक्ट में, और इसको सेव कर लीजिए। अब दोस्तों तीनों कैटेगरी, तीनों ऑथराइज वैल्यू आपकी सब्जेक्ट कैटेगरी के अंदर बन चुकी है। आप इनको एडिट जब चाहें तब करिए, डिलीट तब चाहें तब करिए। अब यहाँ देखिए लिखा है ऑथराइज वैल्यू एडिट सक्सेसफुली। अब आते हैं अपने कोहा पे वापस, और अब जाते हैं मार्क टैग में। तो हमें उसके लिए क्या करना है, कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं और फिर हम इसमें मार्क टैग फ्रेमवर्क में जाएंगे, ठीक है। ये देखिए मार्क फ्रेम बाइब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क में, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। अब जो हम आज यहाँ देखा रहे हैं डिफॉल्ट फ्रेमवर्क हम लेंगे यहाँ पर, और इसमें आप मार्क स्ट्रक्चर में चले जाइए। अब हम 952 जो आइटम्स के लिए होता है वो हम मार्क टैग लेंगे 952, और उसके अंदर हम उसको क्रिएट करेंगे सब्जेक्ट्स को जब वहाँ पे एंट्री होगी तब, ठीक है। 952 लिया, डिफॉल्ट फ्रेमवर्क है, सर्च कर लीजिए। सबसे ऊपर आपका आपका जो आएगा वो आएगा 952 फ्रेमवर्क लोकेशन एंड आइटम इंफॉर्मेशन। क्लिक कीजिए, एक्शन पर खोल लीजिए व्यू सब फील्ड्स, और उसके अंदर फिर आप आ जाइए। देखिए डिफरेंट सब फील्ड्स आपको 952 की मार्टेक की दिखाई पड़ेंगी, बट मैं आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं यहाँ लूँगा सेल्विंग कंट्रोल नंबर। मैं समझ रहा हूँ कि मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ही मैं चेंज कर लूँगा। तो मैंने आप यहाँ नई भी क्रिएट कर सकते हैं, तो मैंने इसी को क्रिएट करूँगा। देखिए डिफरेंट टाइप हैं नीचे आप आएंगे, बट आई विल चेंज द सेल्विंग कंट्रोल नंबर सब फील्ड। ओके, सो ये देखिए ऑथराइज वैल्यू इसकी जो है वो एट प्रेजेंट क्या है, स्टैक है, तो आई विल चेंज दिस वन ऑल्सो। सो क्लिक ऑन द एडिट, और इसके अंदर आप आ जाइए। अब मैं क्या करूँगा, इसके टेक्स्ट को बदल दूंगा।
सेल्विंग कंट्रोल नाम नंबर ना रख के मैं इसमें कर दूंगा अब सब्जेक्ट। सब फील्ड मैंने वही रखा है, सब फील्ड भी आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर सब्जेक्ट में आप जाइए, नया भी क्रिएट कर सकते हैं आप, और अगर रिपीटेबल रखना है जरूरत नहीं है, मैंडेटरी जरूरत नहीं है, मैंडेटरी आप बना सकते हैं इस फील्ड को, ऐसी बात नहीं है। और ये टेंथ में है, देखिए जो टैब है इसका टेंथ, और यहाँ पर आप ऑथराइज वैल्यू जो ये इनको आप सिलेक्ट करके रखिए, एडिटर को, ओपेक को, और ऑथराइज वैल्यू स्टैक है, स्टैक को मैं बदलूँगा यार, मैं यहाँ बदल के रखूँगा एस यू बी जे कैटेगरी, ये एस यू बी जे कैटेगरी जो मैंने क्रिएट करी। अब कर दिए सेव चेंजेस, आपका काम हो गया ख़त्म यहाँ पर, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा एक रिकॉर्ड में एडिट आइटम्स करके कि वहाँ पर आपको अब क्या दिखाई पड़ रहा है। सर्च द कैटलॉग, मैंने एक्सेशन नंबर 1 डाल दिया, मैंने बुक नंबर, एक्सेशन नंबर बुक का जो है 1 डाल दिया, मैंने इसको ओपन कर लूँगा मैं इसके बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को। अब मैं लिखूँगा ये एडिट में जाके एडिट आइटम्स, क्योंकि 952 जो है वो आइटम्स के लिए है। अब ये देखिए मैं यहाँ पर जाके देखता हूँ, कलेक्शन कोड नहीं है मेरा, सेल्विंग लोकेशन को मैंने नहीं चेंज किया, तो मैंने चेंज किया था नंबर सेकंड पर जो है जे आई जे को सब्जेक्ट। ये देखिए पहले तो सब्जेक्ट चेंज हो गया है। अब इसके बगल में जो पॉपअप मेनू है, यहाँ मैंने टेक्स्ट बदला तो सब्जेक्ट हो गया, आप भी बदल सकते हैं। क्लिक जब आप उसको करेंगे तो आपको सब्जेक्ट्स दिखाई पड़ेंगे जो कि आपके ऑथराइज वैल्यूज हैं। जब आप एंट्री करें तो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट की बुक है उसको आप चेक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस बाय डूइंग दिस जॉब यू कैन डिफ्रेंशिएट योर कलेक्शन विद द सब्जेक्ट आल्सो, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, आप डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं एज पर योर लाइब्रेरी रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था कि हम कैसे ऑथराइज वैल्यू कैटेगरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर ऑथराइज वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसको आइटम्स के लिए हम कैसे शो कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये आपके लिए लाभदायक होगा और आपको आपके लिए बेनिफिशियल होगा दोस्तों। तो अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।